राजस्थान और लखनऊ के मैच में राजस्थान की जीत के साथ ही अब सीएसके को फायदा हो गया है। सीएसके की टीम लखनऊ की हार जाने के बाद में पॉइंट टेबल में ऊपर खिसक गई है। साथ ही राजस्थान की जीत के बाद में आरसीबी और मुंबई को टीम को नुकसान झेलना पड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं मैच के बारे में। आईपीएल का 44वां मैच लखनऊ और राजस्थान के बीच में खेला गया। इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। लखनऊ की ओर से केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत करी। कप्तान केएल राहुल ने इस मैच में शानदार दमखम दिखाया। केएल राहुल ने 48 बॉलों में 76 रन की पारी खेली। केएल राहुल के अलावा इस मैच में दीपक हुड्डा ने भी 31 गेंदों में 50 रन की पारी खेली और इन दोनों की पारी के चलते लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 96 रन बना दिए। राजस्थान के लिए संदीप शर्मा ने एक बार फिर से बढ़िया बॉलिंग करी। संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बार बार नहीं बोलने वाला हूं, सिर्फ वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए अब वीडियो के बारे में आगे बात करते हैं। राजस्थान के लिए 197 रनों के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए जयसवाल और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत करी। जयसवाल ने इस मैच में 18 बॉलों में 24 रन बनाए। साथ ही बटलर ने भी इस मैच में 18 बॉलों में 34 रन की पारी खेली। दोनों के आउट होने के बाद में राजस्थान की पारी को संजू सैमसंग और ध्रुव जोराल ने संभाला। सैमसंग ने इस मैच में 33 बॉलों में 4 छक्कों में से 71 रन की पारी खेली। साथ ही ध्रुव जोराल ने 34 बॉलों में 52 रन की नाबाद पारी खेली और इनके चलते राजस्थान की टीम यह मैच 19 ओवर में जीत गई। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।